बोकारो उपायुक्त विजया जाधव ने किया मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का निरीक्षण। इस दौरान उपायुक्त ने दाल भात केंद्रों में रखे रजिस्टर की बारीकी से जांच करती हुई देखी गई, जहां एक ही इंसान के कई नाम देखने को मिले। इससे साफ प्रतीत होता है कि गरीबों का हक उन्हें नहीं मिल रहा है। जहां राज्य सरकार 5 रुपए में गरीब असहाय मजदूरों के लिए इस तरह की केंद्र चला रही है, संचालक के द्वारा लापरवाही की जा रही है। मौके पर जिले के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके बोकारो के नया मोड़ स्थित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र पर पाई गई अनियमितता, साथ ही डीलरों के द्वारा की जा रही आपूर्ति पर नाराजगी जताई। कहा जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कई बार शिकायत मिली है, जिसके बाद अब जांच की जा रही है और स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच में सही पाए जाने पर FIR दर्ज करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई शिकायत मिली थी, जिस पर जांच कर कई पर FIR किया गया था। उन्होंने कहा कि दाल भात केंद्र ये शहर के बीचों बीच है, जिससे गरीब और मजदूर 5 रुपए में भोजन कर सके, इस उद्देश्य से खोला गया है। वहीं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलगो ने कहा कि समय समय पर दाल भात केंद्रों की जांच की जाती है। जिनको अलॉटमेंट मिला है, जिनको जिम्मेदारी मिली है, इसको संभालने की अगर वो नहीं करते हैं तो उनके स्पष्टीकरण पूछे थे, लेकिन कई दाल भात स्पष्टीकरण पूर्व में हुआ है। जिला में कई दाल भात केंद्र हैं, उन पर आपने जांच किया? सभी दाल भात केंद्रों का जांच हुआ है मेरे द्वारा, और सभी दाल भात केंद्रों में जहाँ भी कमी पाई गई, एक हमने उसको सस्पेंड भी किया है, आप लोग देख रहे होंगे, एक हमने लाइसेंस भी रद्द किया है, और एक हमारा अभी जो मामला भी आ रहा है आज जो है उसके हम लोग उसके भी कड़ी करेंगे। अभी हम आए तो कोई भी नहीं खाना खा रहा था, इसमें इतना खत्म हो गया। निकल रहा था नहीं ताकि जब वो कभी खाऊं ना तो देखिए कि गिरा तो गिरा है, कहां है भाग गिरा हुआ ये है। इसका उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे रेड़ी या मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनको बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, या महिलाएं हैं जो कामकाज के लिए बाहर आती है, तो सरकार इनको एक अच्छे साफ तरीके साफ सुथरे तरीके से एक सस्ते दर में 5 रुपए में एक अच्छा खाना दे रहे हैं, और उसका फुटफॉल कितना है वो देखते हुए ही उनका अलॉटमेंट होता है। तो अगर वो लिस्ट इन्फ्लेटेड है, 260, 300, 350 लोग अगर आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। और जैसे अभी हमने आप लोगों के सामने भी रजिस्टर देखा, एक ही व्यक्ति का नाम कई एक बार लिखा जा रहा है। राशन का दुकान हो या ये दाल भात केंद्र हो, इसको हम लोग देख रहे हैं कि महिला ग्रुप को, समूह को दिया जा रहा है। समूह में महिला इकट्ठा आए, उनका पीयर प्रेशर एक दूसरे के प्रति अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक महिला अपने परिवार के साथ साथ कम्युनिटी के बारे में भी सोचती है, कुछ सेविंग की टेंडेंसी महिलाओं में ज़्यादा होती है, उनकी उपजीविका बढ़ती है, एक उपलब्ध नहीं है तो दूसरी वहाँ पे अवेलेबल रहती है, और एक ही व्यक्ति केंद्रित अगर होता है कोई कोई स्कैम घोटाला या चोरी की टेंडेंसी होती है, वो समूहों के बीच में नहीं होती है, एक दूसरा अगर कोई कर रहा है तो तीसरा चौथा उजागर करेगा, ये डर रहता है, और एक के साथ साथ हम बाकी सारे लोगों का गरीबी के लेवल से ऊपर अपलिफ्टिंग करते हैं, ये उसका मेजर मोटा मोटी एम है। इधर आप देखेंगे तो किसी ग्रुप को दिया है, ग्रुप ने किसी व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति ने 4 लोग एम्प्लॉय करके रखे हैं, जिसका 12-16 हज़ार रुपये वो अगर पेमेंट कर रहा है, किसी को 4 हज़ार रुपये, किसी को 5 हज़ार रुपये, रजिस्टर लिखने वाली एक बच्ची यहाँ पे देखी जा रही है उसका 2,500 रुपये, इसका मतलब एक्स्ट्रा डिशेस बना के बेचे जा रहे हैं, या सरकारी अनाज को गरीबों को बांटने के आड़ में लेके इसका कमर्शियल होटल के इसमें कन्वर्जन हुआ है, तो ये सीरियस मामला है। इसी में भी शिकायत की, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने एक दाल भात केंद्र का ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हमने रजिस्टर के फोटोग्राफ्स मांगना कई दिनों से शुरू किया है, लोगों के खाते हुए पिक्चर्स मांगना शुरू किया है, हमने इस दाल भात को आने वाले मतदान केंद्रों के एंगल से स्वीप के सेंटर्स में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर कोई आता है, किसी को किसी वेलफेयर स्कीम के साथ वो कनेक्टेड नहीं है तो उसकी जानकारी यहाँ से ले, आधार नहीं बना है तो उसका फॉर्म यहाँ से भरवाया जाए, किसी का फॉर्म 6 नहीं है तो वो वहाँ से भरवाया जाए, तो एक ऐसा फोकल पॉइंट है जहाँ खाने के लिए लोग आते हैं। आज अगर इस तरह से स्थिति है तो हम लोग इस पे सीरियस एक्शन लेंगे, इनका हम लोग अलॉटमेंट कम करेंगे ही करेंगे, इनका लाइसेंस कट करते हुए बाकी अन्य कोई आजू बाजू का नीडी ग्रुप हो, जो रेडीली अवेलेबल हो, जो अपना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ लगा पाए, उन्हीं लोगों को हम दे देंगे।